सो गाइज, तो आज की इस वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ लाइट मोशन एप्लीकेशन में एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में वीडियो को कैसे 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी इजीली। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि कैसे उसका सेटिंग किया जाता है, मतलब कि कैसे उसका पूरा का पूरा सेटिंग करने के बाद अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाओगे उसका मैंने सेटिंग बताया। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम, लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ से अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड गाइज, अलाइट मोशन एप्लीकेशन को मोबाइल की होम स्क्रीन से ओपन करना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन ना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं अगले आने वाली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइज, मुझे कमेंट करना। एंड गाइज, फिलहाल इतना कुछ ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है लेफ्ट कॉर्नर पे। एंड गाइज, से यहाँ पे मैन्युअली बेसिक सेटिंग आपको कर लेना है, शॉर्ट बाइक पे क्लिक करना है, लो प्रोड्यूस पे आपको ये जो भी इतना है कुछ डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन यहाँ पर 2 सेकंड तक करना है। ओके गाइज, कुछ इतना कुछ कर देने के बाद अबाउट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइज, अबाउट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ अलाइट मोशन का आपको डिटेल शो कर जाएगी, आप देख सकते हैं फिलहाल कि गाइज यहाँ पे अलाइट मोशन का आपको टैग मिल जाएगा। एंड गाइज, उसका कौन सा वर्जन है आपको मिल जाएगा। एंड गाइज, आप सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि वर्जन, बिल्ड, डिवाइस, चिपसेट, सिस्टम, रैम, स्टोरेज, इकोडर, डिकोडर, लैंग्वेज, सीएफ इन्फो, गाइस इतना कुछ मिल जाएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज वगैरह, सर्विस वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस, हम बढ़ते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है बेसिक मैनुअल सेटिंग करके। सो फिलहाल यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है यहाँ पे। एंड 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिवेल्यूस वीडियो स्कोर्स परफॉर्मेंस पे आपको रन कर लेना है, जिससे कि क्या होगी गाइस, आपके फोन में ऑटो एडजस्ट वीडियो का एक्सपोर्ट जो होता है उसका अच्छी क्वालिटी में ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, जितना कि आपके फ़ोन अच्छा से अच्छा बजट का होगा तो आपके फ़ोन में अच्छी से अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी, अपने आप ऑटो एडजस्ट हो जाएगा गाइस। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको साथ शेयर कर दी होगी गाइस। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड आगे आपको मैं 2-3 और सेटिंग बताता हूँ जिससे कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में वीडियो को आप सेव कर पाएंगे। सो गाइस, इतना कुछ हो जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन फिर से क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो स्कोर्स एवल्यूशंस रिजल्ट्स। ओके गाइस, तो आपको मिल जाएगा क्या यहाँ पे अपना मोबाइल का फ़ोन का नाम आपको मिल जाएगा, मॉडल नंबर। एंड गाइस, चिप सेट। ओके गाइस, तो आपके फ़ोन में कौन से लेयर्स तक सपोर्ट करेगा एंड कौन से रेजोल्यूशन तक आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कितनी क्वालिटी वीडियो सपोर्ट करेगा। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा इतना कुछ। एंड गाइस, आप में अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो तो आप दूसरी बार भी रीवैल्यू स्कोर्स परफॉर्मेंस को आप रन कर सकते हैं। एंड गाइस, इतना कुछ सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ से सिंपल यहाँ पे बैक करना है। सो गाइस, आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी आपके पास अच्छा से अच्छा मोबाइल फ़ोन मतलब कि डिवाइस होगा, आपके पास अच्छा ज़्यादा बजट का फ़ोन होगा तो आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो को सेव कर पाएंगे, मतलब कि अच्छा फ़ोन होगा तो अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। फिलहाल मेरे पास रेडमी नोट 10 लाइट मोबाइल है तो मैं कुछ 4K की क्वालिटी सपोर्ट कर लेता है गाइस। सो गाइस, तो ऐसे कुछ इतना कुछ सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे फिर से क्लिक करना है। एंड गाइस, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। एंड गाइस, जैसे इस वाला एरो पे क्लिक करना है। एंड गाइस, जैसे वीडियोस पे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है गाइस, जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ पे रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी में वीडियो को आप सेव कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, 2160p में गाइस 4K क्वालिटी में आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब क्या 1080p में भी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में सेव होता है वीडियो। अगर आप में ना है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन के हिसाब से और यहाँ पे क्वालिटी एडजस्ट होती है। मेरे पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है मोबाइल, तो फिलहाल इसके कारण मेरे में 4K वाला सपोर्ट कर रहा है गाइस। ओके गाइस, 1080p में भी आपका सेटिंग अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे फुल पे रखना है 1080p करने के बाद, यहाँ पे क्वालिटी पे फुल कर देना। ओके गाइस, कुछ इतना कुछ सेटिंग हो जाने के बाद आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन फिर से क्लिक कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मैंने वीडियो को सिलेक्ट नहीं किया, इसके कारण नहीं होगा गाइस।
मतलब कि आप में मैंने सेटिंग बताया उसको फॉलो करने के बाद आप एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी बेस्ट HD क्वालिटी में आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना, एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वो मुझे जरूर से जरूर बताना होगा गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के जाना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्रोवाइड होती रहेगी। सो गाइस मिलते हैं कुछ न्यू ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।